बैकग्राउंड चेक डाटा दे देना करा के दे। भाई 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 सब कोई काम देशद्रोही कत्ता इसके ऊपर उन्होंने हमारा जलसा यूज कर लिया। वाह व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो एक बार फिर से वापसी हो गई एक नई वीडियो के अंदर। भाई और बहनों भाई ट्रेलर आया है जिसका नाम है उलझ और ये मूवी जानवी कपूर की है। उससे पहले भी इनकी काफी मूवी आ चुकी है। इसके अंदर हमने ट्रेलर आज इसका आया है तो हमने चलो यार इसके ट्रेलर के ऊपर अपना रिएक्शन करेंगे रिकॉर्ड। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 3 2 1 गो। सर वी हैव अ सिचुएशन, देयर कुड बी अ लीक। इससे पहले कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर। इस इंटेल का सोर्स क्या है? आईएसआई में बात घूम रही थी। सेंट स्टीफन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना के अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म का काफी हाथ है। Who's this girl? सरनेम के अलावा इसके पास है क्या? आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करती? IFS जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी उम्र में ऐसा पोस्ट मिलना इज अनयूजुअल। चल पेपर दे। क्या सोचा तुम बच जाओगे? यार मुझे सोचने के पैसे नहीं मिलते। आई गेट पेड। लंदन की एम्बेसी में खबरी है। जब तक मेरी ऑफिशियल क्लियरेंस न मिले एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। बैकग्राउंड चेक्स कैसे करते हैं? जो डाटा दे देना करा के दे। भाई 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 सब कोई काम ना करे जिससे हमारे मुंह को। तुमने ही वो देखा जो मैंने देखा? नहीं क्या था ये? एक बार फिर से देखेंगे इसको। था क्या सर? ये पीटीआई का जलसा नहीं लग रहा हमारे? ये तो हुई है डिट्टो, ये क्या सीन चल रहा है ये भाई? तो बॉलीवुड की एक मूवी जो पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने हमारा जलसा यूज कर लिया। वाह भाई वाह। सब कोई काम ना करे जिससे हमारे मुल्कों के बीच का भरोसा कमजोर हो जाए। हमारे दो रॉ अंडरकवर एजेंट्स की जान खतरे में है। पूरे शिट में इसके पीछे इसी का हाथ है। What the hell is going on in London? सुहाना 24 घंटों से गायब है। तेरे फोटो से उन्हें जो प्रूफ चाहिए था ना वो उन्हें मिल गया। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालने वाली सिवाय खुद के। शट अप। सुहाना भाटिया बड़ी स्पाई, देशद्रोही, गद्दार। Always showing your innocent face. You think it'll work with me? मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद, वो सब छीन लिया है, सब। मुझे बस किसी बलि की बकरी की तरह फंसाया। और तो अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा शेर। ओ लज भाई या बहनों। भाई ये था ट्रेलर उलझ का और जो कि मैं कहता हूँ कि वाकई में काबिले तारीफ था। एक लड़की ऐसा कैरेक्टर निभाने के अंदर जो ना आदमी इंसान जो लड़का जो होता है ना आदमी जो होता है वो नहीं कर पाता। पॉलिटिशियन बनकर इस तरीके की चीजें जो है वो फेस करता है मगर एक लड़की इन चीजों को फेस कर रही है। इसके ऊपर एक स्टोरी एक मूवी बनी हुई है, देखने में बड़ा मजा आएगा। मूवी पॉलिटिक्स के ऊपर पूरी की पूरी शुरू से लेके एंड तक। ट्रेलर के अंदर तो भाई यही नजर आ रहा है। 2 अगस्त को मूवी आ रही है तो आप जरूर देखिएगा, मैं भी देखूंगा। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरा देखी मैंने अभी इसके अंदर, आई एम श्योर आपने भी देख ली, जो जलसा था पीटीआई का वो मैं देख के बड़ा हैरान हो गया यार। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन सी बात है भाई। हो सकता है कि कर लिया हो सकता है कोई सेटलमेंट हो, कोई बातचीत हो। खैर भाई हमें इन चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना। हमारी थी आज की वीडियो ये। ट्रेलर आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।